हेलो दोस्तों, ये है अपना अशोक लीलैंड का 62 KVA का जनरेटर, जिसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि जैसे इंजन जो है कि हाई टेम्परेचर पे जा भी नहीं रहा है। उससे पहले ये अलार्म दे के बंद कर दे रहा है वाटर टेम्परेचर का। तो दोस्तों चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। बाकी एक बार आपको कॉल कर दिखा दे रहे हैं, देख रहे हैं इसमें 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इसका। बाकी एक बार स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितने डिग्री सेल्सियस पे ये बंद होता है। ये अपना इंजन स्टार्ट हो गया दोस्तों। बाकी इसका फ्यूल लेवल और ऑयल प्रेशर भी इसका चेक कर लेते हैं। ये 3.3 bar सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो है कि रेडिएटर कैप देख रहे हैं दोस्तों, हमने खोल के रखा है। अगर सच में इंजन हीट हो रहा होगा तो हीटिंग कंडीशन में कभी भी रेडिएटर का कैप नहीं खोलना है दोस्तों, वरना आपका हाथ और जल सकता है इस वजह से। देखते हैं कितने डिग्री सेल्सियस पे ये इंजन बंद होता है। तो ये दोस्तों 46 डिग्री सेल्सियस पे देख रहे हैं अलार्म आ गया है। मैं आपको अलार्म दिखा दे रहा हूँ, ये हाई वाटर टेम्परेचर नीचे देख रहे हैं SW है, मतलब हाई वाटर टेम्परेचर स्विच का अलार्म दिया है। ध्यान दीजिएगा, 52 डिग्री सेल्सियस है, जनरेटर चल रहा है। अब हम लोग क्या किए हैं, जो स्विच का अलार्म आ रहा था, स्विच का जो है कि हम लोग हाई वाटर टेम्परेचर जो स्विच का अलार्म है, टेम्परेचर स्विच का, वो हमने निकाल दिया है। इसमें एक सेंसर का तार लगा रहता है, टेम्परेचर सेंसर का और स्विच का। तो टेम्परेचर सेंसर तो अपना काम कर रहा है, लेकिन स्विच अपना काम नहीं कर रहा है, जो कि हम लोग इधर निकाल दिए हैं इसको। तो देखते हैं कितनी देर चलता है, ये सही काम कर रहा है कि नहीं सेंसर। ये 54 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है और जो है कि सेंसर अपना प्रॉपर काम कर रहा है। और जो है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 से 105 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो है कि ऑफ होने का वो अलार्म सेट है। उतने डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। बाकी दोस्तों ये इसका टेम्परेचर सेंसर और स्विच, जिसमें दो तार लगे हैं, एक सेंसर के लगे हैं एक स्विच का। तो ख़राब यही हुआ है, सेंसर तो काम कर रहा है लेकिन स्विच नहीं काम कर रहा है। तो एक बार हम लोग डायरेक्ट यहाँ से तार ले जाके चेक कर लेंगे, बाकी कंटिन्यूटी भी चेक कर लेंगे कि कोई फॉल्ट तो नहीं है। उसके बाद दिखाते हैं आपको, कभी कभी क्या होता है कि दोस्तों तार जो है कि कहीं से बीच में से ब्रेक हो जाता है, या तो बॉडी में टच हो जाता है तो भी वैसा प्रॉब्लम करता है। तो हम लोग अच्छे से चेक कर लेंगे, दिखा दे रहे हैं आपको। ये टेम्परेचर स्विच का ही SW मतलब स्विच का ही है तार, और इसमें जो है कि अलग से एक वायर लगा लेंगे हम लोग। ये अलग से इसको लगा लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे भी कनेक्ट कर लेंगे, और फिर दिखाते हैं आप लोगों को दोस्तों क्या होता है। ये हमने कनेक्ट कर रखा है, और उधर भी कनेक्ट कर लेते हैं, और इसको जो है कि हाई वाटर टेम्परेचर स्विच का जो है तार है उसको हमने निकाल दिया है। ये देख रहे हैं स्विच SW। चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको। बाकी अगर थर्मोस्टेट का प्रॉब्लम रहता है, ये देखिए दोस्तों हाई वाटर टेम्परेचर स्विच का अलार्म, वो तार निकाल के अलग से एक ग्रीन कलर का तार लगाए हैं हम लोग। अब इंजन को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, अगर आपका थर्मोस्टेट वाल्व भी ख़राब रहेगा ना, तो 80 डिग्री सेल्सियस 82-83 डिग्री सेल्सियस पे बहुत जल्दी ही हीट हो जाएगा इंजन। मतलब मान लीजिए कि आधे घंटे में आपका इंजन हाई वाटर टेम्परेचर पे चला जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों, ये जैसे ही हम लोग चालू किए, 54 डिग्री सेल्सियस पे ही इंजन है, अभी 56 हो गया, मान लीजिए 56 पे ही जो है कि अलार्म दे दिया। क्योंकि हम लोग अलग से भी तार लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब सेम प्रॉब्लम आया है। मतलब अपना जो पुराना कनेक्शन है, वायरिंग बिल्कुल सही है, कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है आपको मल्टीमीटर से। अब देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग उसको निकाल दिए हैं कि
सिर्फ जो है कि अपना सेंसर काम कर रहा है कि कितना डिग्री सेल्सियस है। तो दोस्तों जो है कि सेंसर जो है ना अपना प्रॉपर काम करेगा, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर सेट है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे अलार्म देके बंद कर देगा इंजन को। बाकी जो है कि जो अपना जो स्विच वाला वायर है वो निकाल दिए हैं। स्विच का काम ये है दोस्तों कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम लोग सेट करके रखें तो 100 डिग्री सेल्सियस पे डायरेक्ट बंद करेगा इंजन को, न कि शो करेगा। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही वीडियो टेक्निकल वीडियो आपको इस तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। दोस्तों ऐसा ही वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा हमारे चैनल पे, जितना भी इंजन से रिलेटेड टेक्निकल वीडियो रहेगा सारा मिलता रहेगा।